अच्छा सर, नसीहत बहुत ज़्यादा आसान है करना सर। आप सर देखिए, आज मोबाइल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में और ऐप्स मौजूद हैं सर, ढेरों ढेर एक फरावानी है नसीहत की सर। हर जगह से सर नसीहत मिल जाती है सर। नसीहत पे अमल करना बड़ा मुश्किल है सर। ये सर क्यों ऐसा सर, इंसान की क्या तबीयत ऐसी है सर? नसीहत हर कोई कर रहा है लेकिन नसीहत पे अमल करना, खुद अमल करना बड़ा मुश्किल है सर। देखिए, नसीहत करते वक्त हमें एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि नसीहत से इंसान दूर भागता है। नसीहत कभी कोई ज़्यादा पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती, एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है सर। लेकिन नसीहत इंसानी ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि दूसरे आदमी को हमसे दूर कर दे, जैसे आपने अभी ख़ुद फरमाया कि मीडिया पर अगर चले जाएँ, सोशल मीडिया पर, तो बेशुमार नसीहतें, हर दूसरा जो उसमें पेज है वो आपको नसीहतों वाला मिल जाएगा। लेकिन ये सारी नसीहतें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, हम वहीं पर वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर हम अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कर लें तो हम बदलना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आदमी कोई नसीहत करें या ना करें। आप फ़कीर लोगों से मिलिए, ये ना आपके ऐब बयान करेंगे सर, सॉरी बयान करना तो सही लफ्ज़ नहीं है, वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे। ठीक है सर। कोई आदमी उनके पास गया तो ये कहें कि तुम्हारे अंदर ये खराबी, तुम शराब पी के आए हो, तुम जुआ खेल के आए, मालूम भी होगा उसे जी सर, तो वो नज़रअंदाज कर देगा, गोया उसे मालूम ही नहीं है जी। वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एग्जाम्पल पेश करता। ठीक सर। तो वो पर्सनल एग्जाम्पल उसके पास आने वाले पे असरअंदाज हो जाती है। ठीक सर। तो गैर महसूस तरीके पे इंसान बदलने लगता है। सही। ठीक सर। ये एक बुनियादी चीज़ है उसमें। सही सर। तो नसीहत की बजाय सर हमें ये चाहिए कि हम पर्सनल एग्जाम्पल ऑफर करें। अब हम पाकिस्तानी माँ बाप हर दो मिनट के बाद एक एडवाइस डिश आउट कर रहे होते हैं अपनी औलाद को जी सर, उन पे असर नहीं करती। लेकिन अगर जो मैं उन्हें बनाना चाहता हूँ उनके सामने खुद वो बन के दिखा दूँ जी सर, बच्चे वही उठाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा झूठ ना बोले जी सर, तो मुझे सच्चाई इख्तियार करनी होगी, झूठ छोड़ना होगा। ठीक सर। बच्चे खुद सच्चाई की तरफ चले जाएंगे। ठीक सर। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे नमाजी हों, तो बजाय उनको नमाज की नसीहत करूँ मैं नमाज पढ़ता रहूँ, आप देखेंगे आपकी उंगली पकड़ के बच्चा मस्जिद में जाना शुरू कर देगा और बड़ा पक्का नमाजी हो जाएगा। तो पर्सनल एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छी है ठीक सर बनिस्बत नसीहत के।